नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से 50 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी, दो वार्ड बॉय गिरफ्तार। साइबर अपराधियों ने बनाया डीजीपी नीरज सिन्हा का क्लोन अकाउंट, कई लोगों से मांगे पैसे। विधायक बंधु तिर्की ने कहा, निर्भीक होकर करार कोरोना जांच, संक्रमितों को मिलेगा मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट वाला ठोंगा। रांची डीसी ने सदर अस्पताल और रानी चिल्ड्रेन का किया निरीक्षण, चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने का निर्देश। रांची पुलिस ने 2200 किलो डोडा के साथ दो को दबोचा, ट्रक में छुपाकर ले जा रहा था राजस्थान। पलामू में लोगों को धमकाने, कट्टा लेकर निकला था युवक, पुलिस ने दबोचा। धनबाद के कतरास में सीआईएसएफ और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 10 टन अवैध कोयला जब्त। गिरिडीह में पेड़ पर लटकी मिली छात्र की लाश, बीएससी फाइनल ईयर का था स्टूडेंट। रांची के स्वर्ण रेखा नदी से दो और शव बरामद, कल नहाने के दौरान डूब गए थे चार लोग। जमशेदपुर में बेवजह घरों से निकले लोगों को पुलिस ने पकड़ा, कराई कोरोना जांच। बेमौसम बरसात ने खोली पलामू नगर निगम की पोल, सड़कें बनी तालाब। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन, 28 अप्रैल को हुए थे संक्रमित। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को जगाना जरूरी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई की कोरोना से मौत, पंचायत चुनाव में हुए थे संक्रमित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 50-50 हजार देगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा। उड़ीसा में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगी 4 घंटे की छूट। भारतीय महिला क्रिकेटर प्रिया पुनिया की मां का निधन, कोरोना से थी संक्रमित। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर मांगे अस्पतालों में मदद की इजाजत, पूछा मुकदमा तो नहीं करेंगे। कोरोना से हो रही मौतों पर लालू ने सीएम नीतीश को घेरा, का सत्ता के जालसाज छिपा रहे मौत का आंकड़ा। ऐसे झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।